मेष राशि, नई संपत्ति का लाभ होगा, नए व्यापार में निवेश बहुत सोच कर करें, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग है आपके लिए गाजरी, आज सूर्य स्तोत्र का पाठ करें। वृषभ राशि, सेहत की समस्या खत्म होगी, शाम तक मित्र से मुलाकात होगी, किसी से कोई विवाद ना करें। शुभ रंग है आपके लिए लाल, आज लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करें। मिथुन राशि, मित्र की सलाह से आपकी योजना अगर आप बनाएंगे तो लाभ हो सकता है, सफलता मिलने का योग भी बना हुआ है। अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग है आपके लिए भूरा, आज नारायण कवच का 3 बार पाठ जरूर करें। आइए मित्रों, बात कर लेते हैं पहले उस महाउपाय की जो धन की स्थिति को अच्छा कर सकता है। मित्रों, अपने घर में धन की आवक को बढ़ाने के लिए, पैसे की स्थिति को मजबूत करने के लिए, एक पान के पत्ते पर रोली से आप स्वस्तिक बनाएं, लाल फूल और थोड़ी सी मिठाई रखकर देवी दुर्गा या देवी लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। यह छोटा सा उपाय आपके धन की स्थिति को मजबूत करेगा। आइए मित्रों, बात करते हैं कर्क सिंह कन्या राशि के दैनिक राशि फल की। कर्क राशि, आज सिरदर्द की समस्या आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। अपने वाहन का स्वप्न पूरा होगा, उधार दिया हुआ पैसा आपको मिल सकता है। शुभ रंग है आपके लिए लाल, आज अन्नदान जरूर करें। सिंह राशि, शाम तक परिवार में कलह हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। रिश्तों में दिया हुआ पैसा आज आपको वापस मिलेगा। विद्या प्राप्ति की मुश्किलें खत्म होंगी। शुभ रंग होगा हरा, आज जरूरतमंद लोगों को मीठा अन्न खिलाएं। कन्या राशि, मित्रों आज अपना भेद, अपना क्लू किसी को ना दे तो आपके लिए अच्छा है। अचानक चोट लगने से आप बच जाएंगे। पिता का सम्मान करें, माता का सम्मान करें तो आपके लिए बेहतर है। शुभ रंग है आपके लिए हरा, आज एक गुड़हल का पुष्प देवी लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। आइए मित्रों, बात करते हैं उस महाउपाय की जो आपकी आजीविका की समस्या को खत्म करेगा। देखिए, आप किसी भी आसन पर बैठ जाइए, अपने ईस्ट का, अपने कुल गुरु का ध्यान करिए और देवी सरस्वती के 108 नामों का जाप करिए। पीली मिठाई का भोग लगाकर छोटी कन्याओं को बांट दीजिए। यह छोटा सा उपाय करने से आपकी आजीविका की समस्या खत्म होगी। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशि। तुला राशि, नया वाहन अभी ना खरीदें, पत्नी की सेहत में सुधार होगा, परिवार में अकारण कलह ना करें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी, आज महिलाओं को अन्नदान जरूर करें। वृश्चिक राशि, लंबी यात्रा का योग बना हुआ है, शाम तक व्यापार में आपको लाभ होगा। अपने मन पर काबू रखें। शुभ रंग है आपके लिए लाल, आज माथे पर हल्दी का तिलक करके ही घर से बाहर। धनुराशि, व्यापार की तमाम मुश्किलें आज खत्म होंगी। विद्यार्थी विद्या प्राप्ति में ध्यान लगाएं, इधर उधर के चक्कर में ना पड़ें। धन खर्च पहले से बढ़ सकता है। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी, आज केसर का तिलक माथे पर और कंठ पर जरूर करें। आइए मित्रों, बात करते हैं तीसरे उस महा उपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा कर सकता है। शुद्ध दालचीनी के पाउडर में थोड़ा सा शुद्ध शहद मिलाकर आप इसका सेवन करिए, आपके खांसी की समस्या में आराम बहुत होगा। आइए बात कर लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि के दैनिक राशि पर। मकर राशि, पड़ोस में अकारण विवाद से बचें, मित्र की सलाह से लाभ होगा, अपने कर्ज को समय पर वापस करें तो अच्छा है। शुभ रंग आसमानी, आज एक मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करें। कुंभ राशि, बच्चों की समस्या को समझने का और सुलझाने का प्रयास करें, नई नौकरी की प्राप्ति होगी, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा खराबी हो सकती है। शुभ रंग है आपके लिए नीला, आज देवी सरस्वती को पीले फल और फूल जरूर चढ़ाएं। मीन राशि,
जीवन साथी की सलाह से आपका कार्य सफल होगा, काम बन जाएगा। अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, कोई हड़बड़ाहट मत करिएगा, मित्रों से संबंध में मिठास आएगी। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी। आज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालें, स्नान करें और सूर्य उपासना जरूर करें। आइए मित्रों, बात करते हैं चौथे और अंतिम उस महा उपाय की जो हर दुख परेशानी से आपको जरूर बचाएगा। अगर आप अकारण किसी परेशानी में घिर गए हैं, फंस गए हैं और बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो भाई अपने वजन के बराबर 7 अनाज या हरी घास किसी गौशाला में जरूर डालें। गौ माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, पितरों की प्रसन्नता होगी, आप हर दुख परेशानी और संकट से बचे रहेंगे।